राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 11। राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 11। योआश का घात से बचकर राजा हो जाना। जब अहज्याह की माता अहल्या ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया, तब उसने पूरे राजवंश को नाश कर डाला। परंतु यहोशेबा, जो राजा योराम की बेटी और अहय्याह की बहन थी, उसने अहज्याह के पुत्र योआश को घात होने वाले राजकुमारों के बीच में से चुराकर धाई समेत बिछौने रखने की कोठरी में छिपा दिया, और उन्होंने उसे अतल्याह से ऐसा छिपा रखा कि वह मारा न गया, और वह उसके पास यहोवा के भवन में 6 वर्ष तक छिपा रहा, और अतल्याह देश पर राज्य करती रही। 7वें वर्ष में यहोयादा ने जल्लादों और पहरुओं के शतपतियों को बुला भेजा और उनको यहोवा के भवन में अपने पास ले आया और उनसे वाचा बांधी, और यहोवा के भवन में उनको शपथ खिलाकर उनको राजपुत्र दिखाया, और उसने उन्हें आज्ञा दी कि एक काम करो, अर्थात तुम में से एक तिहाई लोग जो विश्राम दिन को आने वाले हो, वह राजभवन के पहरे की चौकसी करे, और एक तिहाई लोग सूर नाम फाटक में ठहरे रहे, और एक तिहाई लोग पहरुओं के पीछे के फाटक में रहे। यो तुम भवन की चौकसी करके लोगों को रोके रहना, और तुम्हारे दो दल अर्थात जितने विश्राम दिन को बाहर जाने वाले हो, वह राजा के आसपास होकर यहोवा के भवन की चौकसी करे, और तुम अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए राजा के चारों ओर रहना, और जो कोई पांतियों के भीतर घुसना चाहे वह मार डाला जाए, और तुम राजा के आते जाते समय उसके संग रहना। यहोयादा याजक की इन सब आज्ञाओं के अनुसार शतपतियों ने किया। वे विश्राम दिन को आने जाने वाले और दोनों दलों के अपने अपने जनों को संग लेकर यहोयादा याजक के पास गए। तब याजक ने शतपतियों को राजा दाऊद के बर्छे और ढाले जो यहोवा के भवन में थी दे दी, इसलिए वे पहरुए अपने अपने हाथ में हथियार लिए हुए भवन के दक्षिणी कोने से लेकर उत्तरी कोने तक वेदी और भवन के पास राजा के चारों ओर उसकी आड़ करके खड़े हुए। तब उसने राजकुमार को बाहर लाकर उसके सिर पर मुकुट और साक्षीपत्र धर दिया। तब लोगों ने उसका अभिषेक करके उसको राजा बनाया। फिर ताली बजाकर बोल उठे, राजा जीवित रहे। जब अतल्याह को पहरुओं और लोगों का हलचल सुन पड़ा, तब वह उनके पास यहोवा के भवन में गई, और उसने क्या देखा कि राजा रीति के अनुसार खंभे के पास खड़ा है, और राजा के पास प्रधान और तुरही बजाने वाले खड़े हैं, और सब लोग आनंद करते और तुरहिया बजा रहे हैं। तब अतल्याह अपने वस्त्र फाड़कर राजद्रोह राजद्रोह यो पुकारने लगी। तब यहोयादा याजक ने दल के अधिकारी शतपतियों को आज्ञा दी कि उसे अपनी पांतियों के बीच से निकाल ले जाओ, और जो कोई उसके पीछे चले उसे तलवार से मार डालो, क्योंकि याजक ने कहा कि वह यहोवा के भवन में न मार डाली जाए। इसलिए उन्होंने दोनों ओर से उसको जगह दी, और वह उस मार्ग के बीच से चली गई जिससे घोड़े राजभवन में जाया करते थे, और वहां वह मार डाली गई। तब यहोयादा ने यहोवा के और राजा प्रजा के बीच यहोवा की प्रजा होने की वाचा बंधाई, और उसने राजा और प्रजा के मध्य भी वाचा बंधाई। तब सब लोगों ने बाल के भवन को जाकर ढा दिया, और उसकी वेदियां और मूर्तें भली भांति तोड़ दी, और मतान नाम बाल के याजक को वेदियों के सामने ही घात किया, और याजक ने यहोवा के भवन पर अधिकारी ठहरा दिए। तब वह शतपतियों जल्लादों और पहरुओं और सब लोगों को साथ लेकर राजा को यहोवा के भवन से नीचे ले गया,
और पहरुओं के फाटक के मार्ग से राजभवन को पहुंचा दिया और राजा राजगद्दी पर विराजमान हुआ। तब सब लोग आनंदित हुए और नगर में शांति हुई। अतल्याह तो राजभवन के पास तलवार से मार डाली गई थी।